हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने कमाल धमाल वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं SCF का एक यूनिक ट्रिक जो आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर जगह आपको ये काम आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर ऐसे वीडियो आपके लिए हम बना सके, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह से SCF को इजीली और शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, SCF मतलब क्या है। SCF मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसे ट्रेडिशनल मेथड से कैसे फाइंड करते पहले वो सिखा देता हूं आपको मैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक। दोस्तों यहां पर देखोगे, ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे हम लोग, 4 और 8 का अगर SCF निकालना हो तो ऐसा कुछ करते थे हम लोग। फिर दोस्तों यहां पर 2 × 2 × 1 लिख दिया मैंने, 8 का मैंने 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया मैंने, और इन दोनों में से मुझे कॉमन फैक्टर निकालना होता था। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 2 और 2 है, तो एक बार लिख लिया मैंने। फिर देखिए ये 2 कॉमन है तो यहां पर लिख दिया दोस्तों मैंने, और 1 तो कॉमन होता ही है, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं। तो 2 × 2 = 4, ये मेरा आ गया SCF, इतना करना होता है। लेकिन दोस्तों अब मैं जो आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख के सॉल्व कर सकते हो इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर 4 है और यहां पर 8 है, आपको क्या करना है, इन दो नंबर का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करके लिख लीजिए आप। तो यहां पर देखिए 4 और 8 का डिफरेंस क्या है, 4 डिफरेंस है, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करना है आपको, ये दो नंबर को डिवाइड करना है। तो ये 4 आ गया, तो 4 × 1 = 4 होता है, और 4 × 2 = 8 होता है, मतलब दोनों नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो जाए तो यही आपका SCF हो गया, बस इतना ही करना है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग इसे सीखते, इसे कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं SCF निकालने जा रहा हूं 6 और 12 का। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पर डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि 6 जो है ये दो नंबर को डिवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो चेक कर लेंगे हम लोग। तो 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, 6 इज द SCF ऑफ 6 और 12। क्लियर हो गया। अब दोस्तों दिमाग में आपका ये आएगा कि ये भी हो सकता है कि अगर डिवाइड ना हो तो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको हर एक चीज सीखने के लिए। अब दोस्तों मैं देखिए दो नंबर आपको सिखा दिया मैंने, अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको मैं अगर 3 नंबर हो तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये 12 है और ये 15 है और ये 21 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। इन दो नंबर का डिफरेंस होता है 3 होता है, तो यहां पर 3 लिख लिया मैंने। इन दो नंबर का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, ये होगा 6 होगा। तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर देखना है हमें। तो यहां पर 3 जो है सबसे छोटा नंबर है, तो यहां पर मैं 3 लिख लेता हूं, ठीक है। अब 3 को क्या करना है, ये 3 नंबर को चेक करना है कि डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर 3 × 4 = 12, डिवाइड हो गया। 3 × 5 = 15, डिवाइड हो गया। 3 × 7 = 21, मतलब डिवाइड कंप्लीटली हो गया है। तो यही हमारा SCF होगा 12, 15, 21 का। बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सॉल्व करके बताता हूं। अब देखोगे दोस्तों, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 15 होगा, इतना क्लियर है। सबसे छोटा डिफरेंस दोस्तों ये 15 है, तो यहां पर मैं 15 लिख लेता हूं मैं। अब मैं चेक करने जा रहा हूं कि 15 जो है 50 को डिवाइड कर पाता है, नहीं कर पाता है दोस्तों। 15 जो है 70 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये नंबर जो है तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका हमें फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर कैसे निकालते हो वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। आपको सिर्फ देखना है 15 किस किस के टेबल में आता है। तो दोस्तों 15 तो आता ही आता है 15 के टेबल में, और किस में आता है, 5 × 3 × 1, ये 3 टेबल में ये 15 आता है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मेंटेन करना है, असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन मत करना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करने के बाद एक नंबर को चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 5 को चेक करेंगे हम लोग। तो 5 को आप डिवाइड करके देखिए, तो ये 5 लिख लिया मैंने, 5 × 10 = 50 हो जाएगा। ये 5 जो है 70 को भी डिवाइड कर देगा, और ये 5 जो है दोस्तों 85 को भी डिवाइड कर देगा। दैट मींस ये है दोस्तों कि 5 हमारा आंसर हो गया, मतलब SCF जो है 50 70 85, आंसर इज 5।
अब दोस्तों दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर 5 अगर डिवाइड नहीं कर पाता तो क्या करते हम लोग, तो 3 को देखते, अगर 3 भी डिवाइड नहीं कर पाता तो 1 से करते और 1 ही हमारा एससीएफ हो जाता अगर नहीं होता तो। लेकिन दोस्तों यहां पर 5 से डिवाइड हो गया तो एससीएफ जो है दोस्तों 5 आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, यहां पर 4 नंबर दिया है। आप देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस उससे ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, यहां पर 4 लिख लेता हूं, ठीक है, और इनका डिफरेंस मैं लिख देता हूं दोस्तों कि कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं 6 लिख लेता हूं, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है दोस्तों, ये 2 है। लेकिन दोस्तों 2 क्या ये 4 नंबर को डिवाइड कर पाएगा, देखोगे अगर तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो क्या 2 क्या होगा, इसका हमें क्या करना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर कैसे निकालते दोस्तों, आपको बताना होगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो ये मैंने लिख लिया मैंने। अब दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जब 2 जो इन सब नंबर को डिवाइड नहीं करता है तो बचा कौन, 1 बचा, मतलब जिसका कोई नहीं होता, सबका मालिक 1 होता है। तो दोस्तों आंसर इज 1। तो ये 4 नंबर का एससीएफ दोस्तों आपका क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता चल पाए कि जो इंटेंशन से आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो सही में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख पाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।